क्लास नाइन लास्ट टाइम में मोशन में क्या किया था? लास्ट टाइम में मोशन में कौन कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी? लास्ट टाइम मोशन में हमने किया था डेरिवेशन ग्राफ के थ्रू। आज मैं आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करा रहा हूँ, लेकिन सिंपल मेथड से करा रहा हूँ। देखो सेकंड इक्वेशन में एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एवरेज मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आएगा? डिस्टेंस एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन है, मैंने आपको दे रखा है पेज नंबर 12 पे। अनदर मेथड मैथमेटिकल मेथड, डिस्टेंस होती है एस, एवरेज स्पीड होगी यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम कितना हो गया टी। देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है कि सेकंड इक्वेशन में कहीं पे वी नहीं आता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन लाने के लिए वी को एलिमिनेट करेंगे। वी कैसे एलिमिनेट होगा? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस एटी, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल्स टू इसको यू प्लस वी को आप वी प्लस यू भी लिख सकते हो, वी प्लस यू अपॉन टू इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी यू प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी। तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है? यू प्लस एटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यू प्लस यू कितना आ जाएगा? टू यू प्लस का एटी अपॉन टू इंटू टी एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू था इंटू टी, वी की वैल्यू पुट कर दी यू प्लस एटी, तो आ गया यू प्लस यू कितना आ गया? टू यू प्लस एटी अपॉन टू एस इक्वल्स टू कितना आ गया? टू यू इंटू टी अपॉन टू प्लस के एटी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो एस इक्वल्स टू कितना आ गया? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड यू प्लस वी अपॉन टू इनटू टी। सारे सेकंड इक्वेशन में हमें वी नहीं लाना था, तो हमने क्या करा वी को एलिमिनेट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी होती है, वी की वैल्यू पुट कर दी यू प्लस एटी, यू प्लस यू कितना हो गया? टू यू प्लस एटी अपॉन टू, टू यू अपॉन टू एटी अपॉन टू टी की मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? टू यू इंटू टी अपॉन टू प्लस एटी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल ऐसे कर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हो गया सेकेंड इक्वेशन का। इसके बाद करेंगे हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, आज आपके डेरिवेशन फिनिश हो जाएंगे। ये पेज नंबर 12 पे आपका डेरिवेशन, अब नेक्स्ट डेरिवेशन करें थर्ड का पेज नंबर 13 पे है मैथमेटिकल मेथड अनदर मेथड। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? अगर पेपर में ग्राफिकली आएगा तो वैसे करना है जैसे मैंने पहले कराया था, और मैथमेटिकल आएगा तो ऐसे करना है, और जिसके स्कूल में जैसे कराया हो उसको वैसे करना है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू के एस, थर्ड इक्वेशन में फॉर्मूला ये होता है। थर्ड इक्वेशन में देखो होती है टाइम नहीं आता, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम सेम फॉर्मूला रहेगा एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू इनटू टी। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता तो इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी? वी माइनस यू इक्वल्स टू एटी, टी इक्वल्स टू आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए, पुट वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड एस इक्वल्स टू कितना आएगा? वी प्लस यू अपॉन टू इंटू यह आ गया वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस हो गई एस, एवरेज स्पीड आ गई यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम आ गया टी। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता इसलिए मैंने इस इक्वेशन से
टू इन टू वी माइनस यू करें तो ऐसे क्वेश्चन कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस पे यू स्क्वायर अपॉन टू ए टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो गया डेरिवेशन तो मैंने आपको सारे डेरिवेशन करा दिए अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया कल आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ब्लू क्वेश्चन के और सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा बस एक्सरसाइज क्वेश्चन रह जाएंगे एक दिन में एक्सरसाइज क्वेश्चन करके फिर आपका मोशन का भी टेस्ट होगा ठीक है ये समझ में आ गया एस इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी यहाँ से टी की वैल्यू निकाली वी माइनस यू अपॉन इनपुट यहाँ कर दी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू इंटू ए टू ए टू एस इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर ठीक है थैंक यू